रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो नए लेक्चर के साथ जो है हाजिर खिदमत हो जी। मैं यानी कि मलक जान और मेरे साथ जो है उमर भट्ट। ये है जनाब आज का हमारा जो मौजू है जी। ये आउट ऑफ कोर्स चीज़ें होती हैं जी। ये पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपकी जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो क्लियर हो जाए जो है वीडियो में जो है जो आउट ऑफ कोर्स चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह बुक पे जो है वो डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो आज जो है वो मेरी कोशिश है कि जो है आपको सब्जियां और फ्रूट जो है वो क्लियर कर लिया जाए। सब्जियों को जो है कोरियन ज़बान में याचे ज़्यादातर बुलाया जाता है और 600 तो ये कोरियन वर्ड हैं जी साथ, और साथ इनके मीनिंग करेंगे जी। सबसे पहला लफ्ज़ आया हुआ है जी यंग फा कहते हैं जी प्याज को, और फा जो होते हैं जो सब्ज़ प्याज होते हैं जी, एक यंग फा जो पका प्याज होता है और फा जो होता है जी कच्चे प्याज को कहते हैं सब्ज़ प्याज को। अच्छा तंकंग गाजर को कहते हैं जी। अच्छा होबाग कहते हैं जी, लौकी कद्दू जो होता है जी उसको कहा जाता है जी। शीखमची कहते हैं जी पालक को। अच्छा ओई कहते हैं जी खीरे को, कोकम्बर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह घूचू कहते हैं जनाब सब्ज़ मिर्च को। मानल कहते हैं लहसुन को। इसी तरह थोमाटो कहते हैं जनाब टमाटरों को। ये लफ्ज़ इंग्लिश के साथ मिलता भी है जी, और हम लोग भी टमाटर कहते हैं, वो थोमाटो कहते हैं जी सेंट्रल में। अच्छा आगे जी सुनमू कहते हैं जनाब शलजम को, यानी कि शलजम को कहते हैं जी, और गोंगलू भी कहते हैं जी। इसी तरह जनाब घाजी कहते हैं जी बैंगन को। ओखरा कहते हैं जनाब भिंडी को। इसी तरह जनाब सिंगाक या सिंगसंग भी कहते हैं जी। सिंगाक हो गया जनाब। अदरक को कहते हैं जी सिंगघंग अदरक को कहते हैं जी। और खोया कहते हैं करेले को। ओक्सुसु मकई हो गया जी। इसी तरह खमजा क्या आलू हो गया जी। मुँह के कहते हैं जी मूलियों को। अच्छा कोकुमो शकरकंदी। इसी तरह भैचू बंद गोभी को कहते हैं जी। खोंग जो है कहते हैं मटर को। ये आज की जनाब लेक्चर में जो है सब्जियाँ हो गई। आगे साथ ही जनाब फ्रूट आ गए जी। फ्रूट में जनाब फ्रूटों को कहते हैं ख्वाइल कहते हैं फ्रूटों को, और कोरियन वर्ड हैं जी। इसी तरह इनके मीनिंग भी हैं साथ। सागवा कहते हैं एप्पल को, सेब को। फोदो कहते हैं जी अंगूर को। फनाना कहते हैं जनाब केले को। पाइन एप्पल को कहते हैं जी थलगी। स्ट्रॉबेरी को कहते हैं जी सोबा। तरबूज को कहते हैं जी छाम वाई। खरबूजे को कहते हैं जी फे। नाशपाती को फ्रूट में कहते हैं, वैसे फे के जो है दो और वर्ड हैं जी, बॉडी पार्ट्स में भी आता है। इसी तरह कश्ती को भी कहते हैं। इसी तरह जनाब रेमोन कहते हैं जी नींबू को। अच्छा क्यूल संतरे को कहते हैं जी। ऑरेंज को ऑरेंज कहते हैं जी। क्यूल ये जो माल्टा होता है जी संतरा, इसको कहते हैं जी। अच्छा फोक्सुंगा आड़ू को कहते हैं जी। अच्छा धेचू कहते हैं जनाब खजूर को। मैंगो को कहते हैं जी। खोखोनोस कहते हैं जनाब नारियल को। इसी तरह जनाब सुनरियो अनार को कहते हैं। इसी तरह जनाब वीडियो को जो है सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। इंशाल्लाह आपको तमाम जो आउट ऑफ कोर्स लफ्ज़ आते हैं जी टेस्ट में, सारे के सारे जो है आपको डिटेल के साथ पढ़ाए जाएंगे। और इसी तरह जो है आगे आने वाली वीडियो में आपको कायें ग्रामर और जो है वो हफ्ते के दिनों के नाम जो हैं ये आउट ऑफ कोर्स में, ये सारी चीज़ें डिटेल के बाद कराने के बाद आपको बुक पे लेक्चर पे ले जाया जाएगा। अल्लाह पाक साहब का हामी नासर हो जी। अल्लाह पाक साहब को कामयाब करे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद जी। अल्लाह हाफिज़।